पूजा पाठ करने वाले विकलांग से पटवारी ने प्रधानमंत्री आवास के एवज में 11,000 रुपए लिए, अपने ही बनने दे रहा कुटीर। ग्राम कुटीला का मामला। जिले के करेला थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कुटीला में पूजा पाठ करने वाले विकलांग से गांव के पटवारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाने के एवज में 11,000 रुपए ले लिए, अब उसके कुटीर बनने नहीं दे रहा है। जानकारी के अनुसार कृपाराम लोधी पुत्र वंशलाल लोधी निवासी ग्राम कुटीला मन तहसील करेला ने बताया कि वह ग्राम कुटीला में पूजा पाठ का काम करता है, कच्ची झोपड़ी बनाकर आश्रम में निवास करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पटवारी त्यागी ने उससे आंगनबाड़ी में बैठकर 11,000 रुपए ले लिए, जिसके बाद अब पटवारी से बात की गई तो अब वह प्रधानमंत्री आवास योजना के कुटीर बनने नहीं दे रहा है, जिसकी शिकायत एसडीएम से की गई, लेकिन कोई सुनवाई न होने के चलते आज विकलांग ने कलेक्टर जन सुनवाई में कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है बाबा आपका? कृपाराम लोधी। कृपाराम लोधी, लोधी कहाँ से हो आप? ग्राम कुटीला मड़ प्राणपुरा, ग्राम पंचायत दबरा। थाना कौन सा लगता है? थाना करहरा। तो यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए हो आप, क्या समस्या लेके आओ? श्रीमान जी, मेरी आवास आई थी तो मैंने पटवारी से पूछा कहाँ बनाऊँ, तो पटवारी जी ने कहा कि यहाँ बना लेता है। तो मैंने वहाँ सामान वामान रखने की कोशिश किया, बोले मुझे 11,000 रुपये दे तब बनाएगा तू यहाँ। मैंने कहा तो ठीक है कल दे दूंगा। तो उनके पास फिर आंगनबाड़ी में बैठ के मैंने 11,000 रुपये दे दिया है उसको। उसके बाद में फिर मैंने कहा कि कहाँ बनाऊँ, 20 दिन बाद मैंने पूछा, बोले अब तू यहाँ नहीं बनाएगा। उनकी श्रीमान जी तो मैं कहाँ बनाऊँ, तो जब तक दूसरे लोगों की झुग्गी झोपड़ी बनवा दिया है वो, तुम्हारी हमारी नहीं बनने दे रहा है। क्या कह रहा है? अब नहीं बनेगी तेरी यहाँ इस गांव में। 11,000 का क्या होगा? मैंने कहा तो पैसे वापस दे दो, बोले नहीं दूंगा। फिर मैं एसडीएम साहब के पास आया, एसडीएम साहब ने कहा चल हट यहाँ से, बदमाश आ गया। अभी कहाँ रह रहे हो आप? अभी मैं एक चबूतरा, वही मंदिर के चबूतरा पर रहता हूँ। विकलांग हो? विकलांग हूँ, चल फिर नहीं पाता हूँ। अकेले हो आप? अकेला हूँ, और सुबह माने थोड़ा मांग खा लेने के लिए मांग लाता हूँ, तो वहाँ अपना माने जीवन यापन कर रहा हूँ।